नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि के अवसर पर एक सरल और आसान उपाय बताने जा रहे हैं। उसे आप करें, निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो तो दूर होंगी ही होंगी। साथ ही साथ हमेशा आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। साथियों, हम लोग जीवन में कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाते। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हमें जिस अनुकूल परिस्थिति का इंतजार होता है पूजा करने के लिए, यानी कि उसका पूजन करने के लिए, वो अनुकूल परिस्थिति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। आज हमें अनुकूल परिस्थिति नवरात्रि के रूप में प्राप्त हुई है। इस उपाय को जो नवरात्रि में पूर्ण करता है उसकी धन संबंधी समस्या तो दूर होती ही होती है, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारियां आपको समय समय पर देखने को मिलती रहें। हाँ, आपकी ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को भी मिले तो प्लीज़ हमें शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज हम आपको नवरात्रि के अवसर पर जो उपाय बताने जा रहे हैं उसे आप निश्चित रूप से करें। आपकी जो धन संबंधी परेशानी है वो तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव महसूस नहीं होगा। तो साथियों, आपको करना क्या है, देवी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और किसी भी आसन में विराजमान होना है। उसके बाद आपको देवी के सम्मुख इस मंत्र का जाप करना है, गिनते हुए नहीं, बिना गिने, जो भी आपकी इच्छा हो, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, इसका मंत्र जाप करना है बिना समय को देखते हुए। क्योंकि ऊपर वाला जब हमें बिना गिने हुए देता है तो हम उसके लिए मंत्रों की जाप संख्या ना करें, मंत्रों को गिनकर कतई ना बोलें। तो मंत्र जो है, जितनी देर आपको बोलना हो उतनी देर इस मंत्र को देवी के सम्मुख बोलें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप देवी के सामने, यानी कि देवी के सम्मुख जितनी इच्छा हो आप बोलें, गिनना नहीं है, गिनेंगे तो देवी माँ गिन कर ही हमें देगी, और बगैर गिने आप बोलते जाएंगे तो आपको अगिनत कृपा देगी, वो भी बिना गिने कृपा देगी कि आप उसकी कृपा की गिनती नहीं लगा पाएंगे। तो साथियों, इस मंत्र को ध्यान रखें, नवरात्रि में निश्चित रूप से जपें। जो भी इस मंत्र का जाप नवरात्रि के अवसर पर करता है उसके घर में धन का कभी अभाव नहीं रहता। तो साथियों, उपाय करें, लाभ लें। एक बार फिर कहेंगे कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। धन्यवाद।